तो लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का रहता है काइनेमेटिक्स का, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम समझें तो किसी भी पार्टिकल के पाथ से भी हम इसको जोड़ के देख सकते हैं। लेट से एक पार्टिकल है जो इस तरह के पाथ पे होते हुए जा रहा है ना, तो इस पाथ के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग तरह का कर्व बन रहा है। जैसे यहाँ पे एक स्टीप शार्प कर्व बन रहा है, यहाँ पे भी शार्प इस तरह से बन रहा है, और ये वाला पार्ट जो बल्कि है इसकी शार्पनेस कम है, इसके अंदर मोड़ कम है इसके अंदर, तो बोलेंगे इस वाले पार्ट का जो रेडियस होगा वो कुछ बड़ा होगा। अब कैसे रेडियस से इसको रिलेट करके देखते हैं, तो वो चीज़ देखते हैं। लेट से एक पार्टिकल यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे है, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे है, ठीक है, इस रास्ते से होके जा रहा है। तो इस पॉइंट से राइट एंड लेफ्ट, या इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, बहुत छोटा छोटा सा मैं पार्ट ले लूँ, तो ये पार्ट बहुत छोटा सा अगर पार्ट होगा तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये पार्ट किसी न किसी सर्कल का हिस्सा हो सकता है, किसी न किसी सर्कल का एक छोटा सा आर्क हो सकता है। मतलब कि अगर मैं इस तरह की सर्कल बनाऊँ, इस तरह की कुछ लेट से सर्कल बना रहा हूँ, और इस सर्कल का बहुत छोटा सा पार्ट पी पॉइंट के आसपास का रीजन बन सकता है, तो इस सर्कल का जितना रेडियस होगा वही सेम मैं बोल सकता हूँ कि पी पॉइंट के पास जो कर्व बन रहा है उस कर्व का भी रेडियस पी पॉइंट पे सेम है आर। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचे तो वो नेक्स्ट पॉइंट के आसपास का एरिया किसी दूसरी सर्कल का छोटा सा आर्क हो सकता है, तो नेक्स्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, बदलते जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो सकते हैं, बस कुछ ना कुछ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा ही, है ना। हर कर्व के लिए कोई ना कोई, हर कर्व का किसी एक छोटे से पॉइंट को आप चला के जूम करके देखो तो बहुत छोटा सा हिस्सा जो होगा वो छोटा सा हिस्सा किसी न किसी सर्कल को एग्जैक्टली फिट करता होगा। तो उस सर्कल की जितनी रेडियस होगी उस पॉइंट का उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग बोल देते हैं। तो लेट से जैसे यहाँ पे एक टॉप मोस्ट पॉइंट पर और एक ये वाले बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे अगर हम एक सर्कल बनाना चाहें तो किस तरह की सर्कल बनेगी, आप एक बार खुद से सोचो देखो, तो कुछ इस तरह की सर्कल, फिटिंग सर्कल बन जाएगी, है ना। तो अगर ऊपर वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लेट से पी पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्यू पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला हो जाएगा रेडियस, इस सर्कल का रेडियस आर वन, और इस क्यू पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो इस रेड वाली सर्कल का रेडियस के इक्वल हो जाएगा, आर टू के इक्वल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब समझ में आ गया। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए एक तो प्योर मैथमेटिकल तरीका होता है, दैट मीन्स अगर ये जो कर्व बना है इस कर्व की इक्वेशन मुझे वाई और एक्स के फॉर्म में गिवन होती तो मैं किसी भी गिवन एक्स वाई पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए, इसके लिए मैं निकाल सकता था रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। वो प्योरली मैथमेटिकल तरीका चला जाएगा और उसमें थोड़ा सा डेरिवेटिव्स का भी यूज़ ज़्यादा होगा, तो हम उस तरीके से बच रहे हैं अभी, है ना, कैलकुलस उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहते। तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में, फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होगा बेसिकली आपको पार्टिकल का पाथ पता होगा और फिर उस पाथ के हिसाब से, मतलब ट्रैजेक्टरी वाले क्वेश्चंस में आपके यूजुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन में लेट से इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहला इस चीज़ का हमें यूज़ करना है कि पी पॉइंट पे जो पार्टिकल का मोशन होता है इस पूरे पाथ पे चलता हुआ जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस पाथ, ये पाथ सर्कुलर पाथ नहीं है, तो ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है। बट जब हम पी पॉइंट पे पार्टिकल चलते हुए आ गया तो हम बोल सकते हैं पी पॉइंट पे इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है और उस सर्कुलर मोशन के लिए जो रेडियस है वो कितनी है, आर वन है। नेक्स्ट मोमेंट पे ही वो पार्टिकल किसी दूसरी रेडियस के सर्कल पे मोशन करने लग जाएगा, लेकिन हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि पी पॉइंट पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी रेडियस कितनी है, आर वन है। तो अगर मैं डायग्राम यहाँ के लिए बनाऊँ इस वाले पॉइंट के लिए, लेट्स ये वाला जो पॉइंट गिवन है कि इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे निकालना, तो क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे निकालना चाहिए टांजेंट। इस पाथ पे टांजेंट बनाएंगे तो जो पाथ पे टांजेंट की डायरेक्शन होगी वही होगी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, है ना। और जब पार्टिकल सर्कल में चलता है तो वेलोसिटी वेक्टर होता है ऑलवेज टांजेंट की डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर इधर होता है और उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में सेंटर कहीं ना कहीं होना चाहिए क्योंकि वो नॉर्मल वाली लाइन हो जाती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए फिर से अगर इसी तरह का डायग्राम बनाएं तो देखें कैसा बनता है। ये यहाँ पे रहा डायग्राम, ये रहा पाथ पार्टिकल का
और इस पार्टिकल के इस वाले पाथ पे चलता हुआ एक पार्टिकल जा रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी वेक्टर मान ली, ये वाली वेक्टर है वी वेक्टर, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन, ये नहीं कि किसी कंपोनेंट की हम बात नहीं कर रहे, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू, जैसे अगर यही केस होता प्रोजेक्टाइल मोशन का तो प्रोजेक्टाइल का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, जी डाउनवर्ड्स, तो वो वेक्टर आप बना लीजिए, है ना, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो लेट से इस केस में जैसे पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ रहा है, टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन, अब हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल होता है और पार्टिकल इस पॉइंट पे तो सर्कल में मूव करता हुआ बोला ही जा सकता है, तो यह रेड वाली सर्कल में बोला जा सकता है कि इस पॉइंट पे मूव कर रहा है जिसका सेंटर कुछ इस वाली लाइन में होगा। अब सेंटर की डायरेक्शन में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो हम ऐसा करते हैं कि नेट एक्सेलरेशन के साथ सेंटर वाली डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा निकाल लेते हैं और इससे हम निकाल पाएंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ए सी जो है वो कितना हो जाएगा, नेट का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विच इज़ ए सी इक्वल टू ए एन कॉस थीटा। एक बार हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, वी की वैल्यू हमें पता है, आर यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ए सी, ए सी की वैल्यू हमने डाल दिया ए नेट इंटू कॉस थीटा, तो इस तरह से इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकाल सकते हैं। तो ये तरीका हो गया बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। हर क्वेश्चन में पहला काम क्या करना है, पाथ पे टैंजेंट बनाना है, वो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और उस डायरेक्शन में नेट का कॉम्पोनेंट लिखेंगे और वो जो कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल के इक्वल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू निकल आएगी। तो एक बार इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आंसर आ रहा है 10 मीटर और सेकेंड वाले पार्ट के लिए आ रहा है आंसर 80/√3 मीटर। ये दो पार्ट के आंसर आ गए, कैसे आंसर निकलेगा देख लेते हैं। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इस तरह के पाथ पे जाएगा पार्टिकल, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो अब इसके पास सिर्फ वेलोसिटी बची हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विच विल बी इक्वल टू 20 cos 60, जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, 20 cos 60 कितना आ गया 10, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा 10 के इक्वल, जी के इक्वल। तो अब यहाँ कॉम्पोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ए सी की वैल्यू पता लग गई 10 और वेलोसिटी की वैल्यू पता लग गई 10, तो दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट वाले केस में आ गया आर इक्वल टू वी स्क्वायर विच मीन्स 10 square by AC, ए सी की वैल्यू भी 10, तो 10 square by 10 इज 10 मीटर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आया। सेकेंड वाले केस में जो बोल रहा है, सेकेंड केस में कहीं पार्टिकल यहाँ बीच में था तब उसकी वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, अब फिर से हमें वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो जी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे ये वाला एंगल देखो, ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो गया तो ये वाला एंगल अगेन कितना हो जाएगा 30, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री, और सेंटर की तरफ इधर की तरफ कहीं सेंटर है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ए सी विल बी इक्वल टू जी कॉस 30, जी कॉस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 10√3/2 = 5√3। तो हमारे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ गया, अब निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ वी। वी के लिए फिर से वही बहुत चला चलाया कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला प्रोजेक्टाइल का, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था 20 cos 60 विच इज़ 10, फाइनल कितना हो जाएगा जब यहाँ पे पहुँच गया पार्टिकल इस जगह पे, तो वी कॉस 30 इक्वल टू वी कॉस 30 की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, √3/2, दैट मीन्स वी इक्वल टू 20/√3। अब यहाँ से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, या सिंपली आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ए सी,
वी की वैल्यू हमें पता है 20/√3 है, सो 20/√3 का स्क्वायर बाई ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5√3। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 80/√3 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड केस में आ गया 80/√3 मीटर। सही क्वेश्चन हो गया। तो अब यहाँ पे जो है काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है और अब हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन की वीडियो।